पूरी दुनिया इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को खत्म होते देखना चाह रही है, लेकिन अब इसराइल की ओर से एक ऐसा बयान आया है जिससे लगता है कि ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। इजरायली आर्मी के चीफ ने चेतावनी दी है कि हमास आतंकियों के साथ चल रहा युद्ध कई महीनों तक जारी रह सकता है। हर्जी हवेली ने कहा, इस समस्या का कोई जादुई समाधान नहीं है। इससे पहले सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि ये अभियान खत्म होने के करीब नहीं है। इसराइल के मुताबिक मंगलवार को उसने 100 से ज्यादा इलाकों पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य गाजा में इसराइल का अभियान बढ़ता जा रहा है। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 20,915 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद शुरू हुआ। हमास के आतंकी इसराइल में अचानक घुस गए और आम लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने 1400 लोगों की हत्या कर दी और 240 से ज्यादा लोगों को गाजा में बंधक बना लिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजरायली बमबारी के कारण 19 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी की प्रवक्ता जूलियट तोमा ने बीबीसी को बताया कि कुछ जगहों पर खाने की कमी और भुखमरी की बेहद चिंताजनक रिपोर्ट देखने को मिल रही है। इस बीच युद्ध और विस्थापन जारी है। संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर शेल्टर होम इस समय भरे हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा कि युद्ध कई और महीनों तक चल सकता है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारी उपलब्धियां लंबे समय तक संरक्षित रहें। उन्होंने कहा, जब किसी आतंकी संगठन को पूरी तरह से खत्म करने की बात आती है तो लड़ाई में डटे रहने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बीच एक बार फिर गाजा में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस पूरी तरह से खत्म हो गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।